नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पौड़ी में डाक विभाग द्वारा खोला गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इन दिनों उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। यहाँ पिछले एक सप्ताह से इंटरनेट सेवा बाधित होने से उपभोक्ता किसी तरह का लेन देन और अपनी आरडी जमा बैंक पहुंचाने पर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यह बैंक पिछले एक सप्ताह से इन दिनों महज 100 पीस बना हुआ है। उपभोक्ताओं की माने तो रोजाना वो बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन यहाँ उन्हें डाक विभाग और दूरसंचार विभाग की खामियाजना उठाना पड़ रहा है, जिससे वो निराशी वापस लौट रहे हैं। बदहाल इंटरनेट सेवा को दुरुस्त करने के लिए कई उपभोक्ताओं ने डाक अधीक्षक से भी इस संबंध में वार्ता करने पहुंचे, लेकिन डाक अधीक्षक ने बताया कि भारतीय दूरसंचार विभाग की इंटरनेट सेवा चरमराने से दिक्कत पेश आ रही है, जिसको लेकर इंटरनेट सेवा डाक विभाग में बहाल करने के लिए BSNL को अवगत कराया जा चुका है। डाक अधीक्षक ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इंटरनेट सेवा दुरुस्त हो जाने के बाद उपभोक्ताओं को पेश आ रही दिक्कतों का समाधान करवा लिया जाएगा। वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले समस्या तो ये थी कि वहाँ का जो BSNL डेमो है वो अधिकतर खराब होता रहता है, और उसके खराब होने के कारण वहाँ पर कार्य ही नहीं हो पाता है, जिसका भुगतान वहाँ पर जो भी कस्टमर जाता है आरडी या पासबुक अपना जमा खाता या निकालने के लिए, तो उपभोक्ताओं को वहाँ पर बहुत सी परेशानियाँ होती हैं। वो बेचारा वहाँ पर कितने देर तक खड़ा रहता है, उसके बाद निराश होकर फिर दौड़ निकल जाता है, परंतु कोई इस समस्या का कोई समाधान न होने के कारण सब ऐसी परेशानियों का वो सामना कर रहे थे। तो जिस कारण से मुझे लगा कि चलो मुझे आज इस समस्या के को लेकर SP साहब के पास जाना चाहिए, तो उनसे मिलकर मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे दिलासा दी है। मेरे सामने ही वहाँ आदेशित किया है पोस्टमास्टर सर को कि वहाँ पर नहीं, इस समय जो प्रेजेंट स्थित है, प्रेजेंट स्थित में प्रिंटर तो सही है, जो पासबुक प्रिंटर की दिक्कत आ रही थी वो तो सही काम कर रहा है, और बाकी जैसे सिस्टम में नेटवर्किंग की कोई दिक्कत आ रही है, तो ये हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं इनसे बात हो रही BSNL के अधिकारियों से। आज भी हमारे सिस्टम मैनेजर गए थे, उन्होंने कहा था कि जो है आएंगे, तो हो सकता आ जाए एक आध घंटे में। आफ्टरनून का 12:30 का टाइम दिया था, तो 12:45 हो रहा, तो इंतज़ार है उनका, वो आ जाएंगे क्या बताते हैं। दूसरा सर्विस प्रोवाइडर हमारा एक CP रहता है, जो कि देहरादून में हमारे उसके वो बैठते हैं, जिन्होंने इसका कॉन्टेक्ट ले रखा है, उनको भी शिकायत करा दी गई है, और समय समय पर टाइम से ही कराई जाती है, तो कोशिश है कि जल्दी ठीक हो जाएगा।